अस्सलाम वालेकुम। हम लोग इस वक्त DHA वैली कस्टमर ऑफिस के बाहर खड़े हैं और अभी 11 बजे तकरीबन हम यहाँ से मूव करेंगे। इसका DHA का जो हमारा विजिट प्लान था, आप ज़रा दूर देख सकते हैं कि ज़रा उधर इनको दिखाएं, आप दूर से देख सकते हैं कि इस वक्त वहाँ पे जो DHA के जो हाई ऑफिशल्स हैं वो हमारे जो गेस्ट हैं उनको वो ब्रीफ कर रहे हैं। हमारा सिर्फ मकसद ये था कि आप लोग इधर आएँ, आके आप देखें कि ग्राउंड के ऊपर क्या काम हो रहा है, क्योंकि मोस्टली मैंने देखा है कि लोग ज़्यादातर इस चीज़ पर ओवर ट्रस्ट करते हैं जी कि फ़लाने ने ये कहा, फ़लाने ने ये कहा, फ़लाने ने ये कहा। इस विज़िट का मकसद ही सिर्फ ये था कि आपको ये बताया जाए कि ग्राउंड पर क्या हो रहा है, कितने सेक्टर डिवेल्प हो चुके हैं, कितनी तेज़ी के साथ काम हो रहा है, हमारी नेक्स्ट बैलेटिंग कब है और यहाँ पे हम कब जो घर वगैरह तामीर कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह ताला जैसे जैसे हम अभी विज़िट शुरू करेंगे तो आपको फिर इसके साथ साथ हम आगाह करते जाएंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम जी। आज का विज़िट था माशाल्लाह काफ़ी डेवलपमेंट है। जब मैं लास्ट टाइम हम लोग ने विज़िट किया था तो उसको अगर देखें और आज को कंपेयर करें तो काफ़ी डेवलपमेंट है। उम्मीद है कि इंशाल्लाह जो है बेहतरी और आएगी, तो बी पॉजिटिव इंशाल्लाह जो है वो। बट ये है कि पार्टिसिपेशन लोगों की वो बहुत कम थी, जितनी पार्टिसिपेशन होगी उतना इनके ऊपर प्रेशर होगा और ये लोगों को आइडिया होगा कि यार लोग जो है वो वाकई विलिंग है इस प्लॉट्स को लेने के लिए। तो काइंडली नेक्स्ट टाइम अगर इस तरह का कोई इवेंट अरेंज हो तो पार्टिसिपेशन को ना मेक श्योर करें। थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया। अच्छा, इसका आप क्या बता रहे थे कि ये कौन सा फेज़ है एग्जैक्टली? ये फेज़ B3। ओके, सही। अच्छा, जैसे इसमें जो कौशल आप रखते हैं वो ऐसे तो नहीं जिस तरह मतलब रियाज ने किया कि पूरी लाइन ही फिर कमर्शियल बना दिया? आप सेलेक्टिवली करेंगे नहीं कि इतनी आबादी है तो इतना कमर्शियल? कुछ हब बनाएंगे लेकिन वैसे कमर्शियल सारा। अभी हम बोगनवेलिया से होके आए हैं, जो DHA होम्स है वो उसी के अंदर है। ये पूरे का पूरा इलाका, ये कलर का कलर की यहाँ से एंट्री होती है, इसकी मेन एंट्रेंस है ये इलाका। यहाँ कुछ डेवलपमेंट हो चुकी है, मतलब डेवलपमेंट नहीं है, दुकानें वगैरह इधर हैं, यहाँ से एंट्रेंस है मेन। ये सामने एक पेट्रोल पंप भी है और ये मेन एंट्रेंस है बोगनवेलिया। अभी हम बोगनवेलिया आगे जाएंगे, ओलियंडर से होके आए हैं अभी हम ना। यहाँ से रवात कितना आगे है, कितना कितना रास्ता यहाँ से रवात का? 10 मिनट का। 10 मिनट, अच्छा। और यहाँ से जो फुल मैक्सिमम डेप्थ में अगर जाएं तो कितना रास्ता बनता है यहाँ से, मतलब वो ब्रिज तक अगर जाएं तो कितनी देर कर सकते? नहीं नहीं, मतलब अगर अगर हम बिल्कुल सीधे चलते जाएं तकरीबन 10 मिनट। ओके, उसके बाद इंडियन कश्मीर नहीं, वो कोटा और है, ये पिंडी है। अच्छा, अभी भी उधर आओ। ये कुछ एक्स्ट्रा हम डीप अंदर आ गए हैं, इससे पहले अगर हमें इधर जाना था, मतलब ये फेज़ टू फेज़ थ्री एक्सटेंशन है गालिबन, ऐसा कुछ नाम दिया था उन्होंने। लेकिन ये है कि इससे पहले अगर हम राइट टर्न कर लेते तो वो वैली की तरफ को रास्ता जा रहा था। अभी हम वापस यहाँ से जाएंगे और फिर फर्दर अंदर डीप जो असल एरिया है उधर उधर हम पहुँचेंगे। एयरपोर्ट साइड पे भी और भी जितनी भी सोसाइटीज हैं वो हैं सारी टिड्डो टिड्डो सी, छोटे छोटे, कोई कोई 500 कनाल, कुछ 600 कनाल, कोई 800 कनाल, 1000 कनाल है, बहुत बड़ी, ठीक है जी। वो है अब उसमें वो क्या करते हैं कि आगे फ्रंट पे थोड़ा बहुत बना के और कहते हैं जी ऐसे बड़ा, और फिर पता लगता है बाद में कि जी आधी बीच में फाइलें गायब हो गई, जिस तरह ये ब्लू वर्ल्ड था और इस तरह की एक दो और सोसाइटी थी, एक दो वहाँ पर भी अभी बड़ी आ गई है, कैपिटल स्मार्ट जो रिसेंट पास में आप जाएं तो कैपिटल स्मार्ट का भी, क्या भी वो तो यही है, बीबी रफीक वाले हैं, इनका भी बहुत बड़ा है वो, लेकिन इतना नहीं होगा DHA वैली जितना, नहीं साइज होगा। हाँ, वो इसके ऊपर बांझे हैं या कुछ इसका बेल्ट। अच्छा, ये DHA होम्स है जी? ये होम्स, ऑलराइट, ये होगा।
अच्छा ये कलर जो कह रहे थे क्या नाम था इसका, ओके राइट राइट, तो वहाँ से ऑनवर्ड्स कितना कितनी देर का रास्ता है कलर का? कलर का हाँ जी, हाईवे कौन सी जो इस्लामाबाद हाईवे है वहाँ से आगे तकरीबन 10 मिनट। यहाँ से एंट्रेंस जो है एंट्रेंस से यहाँ तक कितनी देर का रास्ता होगा? ये 5 मिनट का, 5 मिनट का। वो जो सामने वो नजर आ रही है उससे हाँ जी, जितनी ये यहाँ से वो जगह है ना ओके उससे कम आ गई वो। अच्छा अच्छा अच्छा, चले डिस्ट्रीब्यूशन है वो डैम है, डैम के ऊपर वाली साइड पे फिजिक्स है, डैम के नीचे वाली साइड पे वैली। अपन देख रहे हैं उसको बाइपास करके अपना पूरा एरिया ले लिया। हाँ जी सही है जी, बैठा रहे तुम बैठे रहो, इज ओनली सिटिंग ऑन 60 किलो लाइन, थोड़ा उसके आने की वैल्यू नहीं है। अब आप अपनी टर्म एंड कंडीशन में लेंगे जब भी लेंगे, अब नहीं ले रहे लेकिन उसने कहा शायद अभी ले लें, अभी ले लें, अभी शॉर्ट माइंड सेट होते हैं। मैं एक चीज़ होती है कि आप टेबल पर बैठ के मुस्किल करके अपना भी मसला हल करें, वो ये कहते हैं यार ये अंडे सोने की मुर्गी है एक बार ही ले लो। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम शकील है, आज हम लोगों ने विजिट किया है DHA वैली का, माशाल्लाह बहुत अच्छा काम हो रहा है, काम की स्पीड रीजनेबल है कह सकते हैं आप, मतलब काफ़ी डेवलपमेंट हुई है, ब्रिज बन चुका है, सिर्फ ये है कि जैसे अभी भाई ने फैसल भाई ने बात की थी कि पोजीशन फिजिकल पोजीशन वो जब तक नहीं होगी फिर लोग मुतमिन नहीं होंगे। मतलब अगर घरों से निकलेंगे जी, मेरा नाम अली है और मैं बेसिकली मेरा मैसेज यही होगा सारों को कि ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट करें, ये एक मतलब जाहिर है काफ़ी दरीना कहना चाहिए एक प्रोजेक्ट है, काफ़ी ओवरसीज़ पाकिस्तानी इसकी इसका इंतज़ार करते रहे हैं, आज उस किस्म का मतलब टर्न अराउंड नहीं रहा लोगों का, लेकिन यह है कि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट करें ताकि आपका कंसर्न सामने जाए लोगों के ना। बाकी जो डेवलपमेंट हमने देखी है आज वो काफ़ी प्रॉमिसिंग है, लेकिन ऑफ कोर्स पहले भी हमने डेवलपमेंट्स होती देखी हैं। मेरा ख्याल है कुछ मटेरियल मतलब एडवांसमेंट हो, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल लोगों को एक भाई ने पहले भी इस चीज़ का तذکرہ किया कि अगर उनको पोजेशन फिज़िकली अगर दे दी जाए ना तो उससे लोग इनकरेज होंगे और उनको एक बाकायदा एक फीलिंग मिलेगी कि जो कुछ बातें हुई हैं मतलब वो किसी एंड तक पहुंची है ना। तो वैसे अगर देखा जाए तो जैसे हमने आज पूरा डैम के इर्द गिर्द एक विज़िट किया, तमाम जितने भी कहना चाहिए कि डेवलपमेंट्स हुई हैं, कोशिश यही थी कि उनको आप लोगों तक पहुंचाया जाए जितना ज़्यादा पैचेस में, ऑफ़ कोर्स एक प्रोफेशनल तो अंदाज़ नहीं था लेकिन यह है कि जितनी ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचाई मतलब जितनी पॉसिबल थी उतनी आप तक पहुंचाई गई। आप लोग भी अपने एंड पे इस चीज़ को मतलब सपोर्ट करें इस चीज़ को ताकि जितना जल्दी मतलब एक सीरियसनेस आपके सामने है, जो भी सड़कें बनी, जो भी हमने देखे वाटर टैंक्स और ये सारी चीज़ें बनी हुई हैं, ऑफकोर्स इसमें एक बहुत अच्छा मैसेज ओवरऑल जा रहा है। थैंक यू। बोगनविला हमने देखा तो डेफिनेटली बहुत अच्छी प्रोग्रेस है इसमें और इसको फर्दर डेफिनेटली मज़ीद
इम्प्रूव किया जा सकता है। मैसेज मेरे ख्याल है हमने तो उस दौरान जितना भी था हमने पॉजिटिवली बहुत शुक्रिया, थैंक यू, बहुत मेहरबानी। ये काम बंद करनी है, इसकी डायरेक्शन ही जो है वो ब्रिज की चेंज कर दो, और जो जन साहब का जैसे ही हमने इसकी डायरेक्शन चेंज किया तो वो काम शुरू हो गया, बनना शुरू हो गया काम। और आज देखेगा माशाल्लाह, मतलब जो एक ड्रीम था कि वो जी कि कैसे लिंक होगा, कैसे आपस में जुड़ेगा, कैसे ट्रैफिक आएगी। आज डी एच ए खालिद साहब ने विज़िट अरेंज किया था और बड़ा अच्छा विज़िट था, और पूरे इंफॉर्मेशन मिली साइट की जो डेवलपमेंट हो रही है। तो सब फैक्ट्रीज से रिक्वेस्ट है कि एटलीस्ट वो इस विज़िट्स में जो भी अरेंज हुआ करें ज़रूर पार्टिसिपेट किया करें, अगर वो पार्टिसिपेट नहीं करेंगे तो अपने साथ अपने काज के साथ अच्छा नहीं कर रहे। उनको जितना मिलकर और जितना हम पार्टिसिपेट करेंगे उतना हम इस प्रोजेक्ट की डेवलपमेंट के लिए अपना हक अदा कर सकते हैं, अपना कोशिश कर सकते हैं। आप तो डेवलपमेंट से मुतमिन हैं? जो कुछ हो रहा है डेवलपमेंट तो हो रही है, अच्छी डेवलपमेंट हो रही है, लेकिन इसको और स्पीड अप होने की ज़रूरत है क्योंकि बहुत टाइम गुजर चुका है, कई लोग थक हार चुके हैं, बिल्कुल मायूस हो चुके हैं, और उनकी मायूसी को दोबारा की उम्मीद की तरफ लाने के लिए और डेवलपमेंट दिखानी पड़ेगी, लोगों को पोजीशन देनी पड़ेगा ताकि लोगों को पता चले कि हाँ, जब तक लोगों को फिज़िकल पोजीशन या इंटीमेशन नहीं मिलेगी, जितने ज़्यादा लेटर मिलेंगे उतनी ज़्यादा लोगों की उम्मीद बनेगी। तो यही रिक्वेस्ट है कि DHA मैनेजमेंट इस सिलसिले में इवन अगर लोगों से एस्केलेशन चार्जेस मांग रही है, STC चार्जेस मांग रही है, तो वो लोगों को इंटीमेशन लेटर तो भेजे ना पोजीशन के। ठीक है, ठीक है, ठीक है। ठीक है, जो आज आए हैं ठीक है, जैसे भी ये कह रहे हैं वो कह रहे हैं ठीक है जी, इंटर करें ताकि उनको पता हो कि ये ठीक है। सर अभी तो हर जगह उनके पास है तो वो पिकनिक मना सकते हैं, जो कौन उनको पूछ सकता है। मजे से जहाँ पर मर्जी बैठे। और ये बड़ा माशाल्लाह कि आपने ये साथ साथ ये मिट्टी के बड़े बड़े तोते हैं और नेचुरल ब्यूटी में और इजाफा कर रहे हैं।
the phase 2 extension. नवंबर में बेसिकली सिर्फ काली क्यों है, इसने जबरदस्त रोड बनना है ये तो सिर्फ ये के राजनदार और गुजारी कहां जा रही है राजनदार इधर राजनदार इंडिया के सियाला वो सही साइड पे अच्छा कहूटा वाला एरिया इसे कहूटा को निकल जाएगी यहां को कहूटा की तरफ को जाएगी ये आपका क्या प्रोग्राम है ये पंजाबी रोड है गांव वाले मैंने कहा ना इसको हम अभी वाइट कर रहे हैं इतना ही ये सरकारी रास्ता तो बहुत कम है ना नहीं इसको हमने चौड़ा से अच्छा हो गया चौड़ा हो जाएगा गांव वालों से भी बात हो गई है ये चौड़ा हो जाएगा रास्ता काफी अच्छी वैली कहाँ से शुरू होती है बताते हैं अभी अभी हम अभी हम आपको बता रहे हैं कि आप टू वैली का जो रास्ता है जब आप एक्सप्रेस वे पे आएंगे ना तो दिस विल बी द रूट क्योंकि एक्सप्रेस वे कहाँ तक आएगी आप ये सारी पूरी जी अभी आप इस रेलवे ब्रिज से आगे अब ये फेज सिक्स शुरू हो गया अब पीछे फेज फाइव खत्म हो गया ये रेलवे ब्रिज इज द लिमिट लिमिट जिससे आगे जो है ये फेज सिक्स और फेज सेवन है और इसके पीछे फेज फाइव यहाँ से अब आगे हमारा जो है ये दिस इज फेज सिक्स लेफ्ट साइड पे जाएगा राइट साइड पे भी फेस 6 ऑफ वैली फेस 6 रियर टू फेस 2 एक्सटेंशन फेस 2 वैली फेस 7 फेस 7 हां उसका नाम है अब उसका नाम है फेस 7 इसका नाम है फेस 6 ठीक है दिस इज नेक्स्ट टू वैली दिस इज होल 2 अभी मैं आगे डबल इंडिकेटर लगाऊंगा जिस जगह के ऊपर वो था होल 3 और अभी ब्रेक लगाएंगे हम होल 4 पे ठीक है जी ये अभी अभी होल 3 आएगा DHA Homes, Magnolia Oleander इस तरफ से ये आबाद हो गए जी अभी हम मैग्नोलिया सेंटर होगी ओलियंडर तो हमारे लेफ्ट साइड के ऊपर गोदन वाला है तो यहाँ से नज़र नहीं आ रहा आपको लेकिन अभी हम जाते हुए वहाँ पर चक्कर लगाएंगे तो ये पर जी इसके लिए वो जो है नहीं ये पीछे हाँ ये सारा पहाड़ के पीछे है पूरा पहाड़ के पीछे बगन वाला अभी ये भी सारा क्लियर हो जाना है ये सब आपस में नज़र आएगा अभी आपको यहाँ से बगन वाला जो देखिए तो सर ये बताया कि ये जो आपके ओलियंडर का कब्जा आप कह रहे हैं पोजीशन दिया किन इलाके में पोजीशन देंगे देंगे दिया नहीं अभी तक ओलियंडर से शुरू करें ओलियंडर से कब तक है बस अभी ये अनाउंस करेंगे जल्द से ये एरिया तो सारा आपके पास डिवेल्प है सारा जी जी ये तो सामने ये पॉइंट नंबर लेके आए हैं जी ये पहले शोधा को प्लाट थे ना शोधा के थे ना शोधा तो सर आप तो आइडिया नहीं हो रहा कब से डेवलप है भाई ना कि ये तो आज तो ही डेवलप है ये तो पता नहीं किस जमाने के डेवलप करके बैठे हुए किसी बेस के ऊपर तो पैसे निकलवाते थे यही करके हाँ जी अभी हम जो है वो गाड़ी में विजिट करेंगे होम्स और एटीएस में आपको दिखा के फिर अगेन विल कम है जाना इधर से ही है कलर ठीक है यहाँ से आगे 5 मिनट का रास्ता है कलर सहीदा तक कलर सहीदा तक नहीं उस रोड तक 5 मिनट का रास्ता है जो कलर सहीदा को जाती है ओके मेरा प्लांट है यहाँ पे देखिए आज हमने इन्होंने हमें विजिट करवाया है इस पर कोई शक नहीं है कि डेवलपमेंट बड़ी तेज़ी से हो रही है और ये बड़े ऑनेस्ट तरीके से लगे हुए हैं अपनी एफर्ट्स कर रहे हैं जो इनकी कैपेसिटी है अकॉर्डिंगली चल रहे हैं लेकिन ये है कि इसके साथ साथ इनको चाहिए कि कम से कम वहाँ पे जो डेवलप्ड सेक्टर्स हैं जैसे ब्लू बेल है ओलेंडर है इनमें मस्जिदें शुरू कराएँ पार्क शुरू कराएँ और इसके अलावा ओवर हेड वाटर टैंक्स वगैरह शुरू करवाएँ क्योंकि ये बेसिक नीड्स हैं जब तक ये नहीं होंगे पोजिशन देने के काबिल नहीं है तो उनमें टाइम भी लगेगा तो इनसे हमारी गुजारिश यही है कि ये कम से कम एज़ सून एज़ पॉसिबल जो है ना यहाँ पे पार्क्स मस्जिदें और ओवर हेड वाटर टैंक्स इन ब्लॉक्स में भी शुरू करवा दें ताकि टाइम जो है सेफ हो सके बेहतरीन तो ये हमारी उनसे गुजारिश है मेहरबानी करें ये एज़ सून एज़ पॉसिबल ये भी शुरू करवाएं कनेक्टिविटी तो हो रही है वो हो भी जाएगी ठीक हो अगर नज़र भी आ रही है उस पर बड़े अच्छे तरीके से काम हो मोर देन 80-90% हो गया है 10% रुपया रह गया वो हो जाएगा लेकिन इसके साथ साथ इन मेन टाइम जो है ना इमीडिएटली प्राइटी बेसिस पे इनफॉर्मेशन पार्क ओवर एड वाटर
लाजमी शुरू करानी चाहिए ताकि लोग ताकि ये क्लील अरसे में यानी इस पोजीशन में हो के लोगों को ये कब्जा दे सकें बेहतरीन। ये तो सेक्टर की है रोड, छोटी रोड है ना, देखें ये भी हम सेक्टर रोड है। वो उधर से जानी है, वो देखें रोड बनी है इस पहाड़ के ऊपर से गुजरनी है, वो राइट साइड पे डैम है सारा। ठीक, हम डैम के साथ से गुजर रहे हैं, साथ साथ हैं, अभी तक हम डैम की तरफ बढ़ रहे हैं। वी आर हेडिंग टुवर्ड्स द डैम। बेसिकली डैम का पॉन्डेज एरिया राइट साइड पे रह गया, राइट। हम अब उसके छोटा सा एक पेरिफेरी होगी जिसके ऊपर से हम क्रॉस कर जाएंगे डैम, राइट। लिंग रिवर को अभी हम क्रॉस करेंगे जिसके लिए हमें ब्रिज की जरूरत थी, राइट। अच्छा, आपने ये जो भूनी वाला जो जो गांव था जी, भून भून, अच्छा भून गांव जो है वहां तक, यानी 12 मिनट आपने बोला है कि जो मेन इस्लामाबाद हाईवे वहाँ से यहाँ तक आने तक 12 मिनट कलेक्ट होनी है आपस में जी। ओके, परफेक्ट। वाओ, ये तो काफी डीप एरिया है। हां, ये लिंग, नाइस नाइस नाइस, ये सारा रिवर है, ठीक है। देखिए ये सारा डैम के ऊपर है, तो ये डैम का रेगा, ये डैम है, हम डैम के अंदर एंटर हो, ये डोचा डैम का, डोचा डैम जी, यहाँ पे वो होगा, राइट राइट राइट। तो हम उसके अंदर से गुजर रहे हैं, दैट इज द हिस्टोरिकल ब्रिज, और ये हां ओके, और ये वाला ब्रिज है, ओके, हिस्टोरिक स्ट्रक्चर। कौन सी वाली है जी एक्सप्रेसवे? ये वाली, ये सबसे एक्सप्रेसवे ने यू जाके, यू इसके ऊपर से होके पुल को क्रॉस करके और फिर उधर ही जाना है जिधर वो आपने रोड काली देखी थी। ओके, दिस इज द एक्सप्रेसवे, राइट। नाउ ऑल क्लियर, परफेक्ट। ये जो ये जो जहां से गुजर रहे हैं ये भी ब्लू बेल है जी। अब तकरीबन तमाम होल जो है वो क्लियर हो गए हैं, कोई होल नहीं रहा। यहाँ से पक्की शुरू होगी, ये रोज एंटर हो जाएंगे। तो ये आपके 18-19 सेक्टर थे, ये मगर ये यूज हो गए 12-13 तक आ जाएंगे। हाँ, सारे तो नहीं खुलेंगे। हाँ जी, वो सारे मैं कहा मर्ज हो जाएंगे, कुछ इधर उधर तो एक सेक्टर के दूसरे में तीसरे में। भी अंदर भी बढ़ा रहे हैं जी, रोज अगर पहले इतने प्रोडक्ट का था तो जितनी मिल रही है उतने कर, हां उतना कर दीजिए, एक्सपेंड कर, शायद अब सेक्टर आप जो है बढ़ाते जा रहे हैं, सेक्टर को वो क्या करते जा रहे हैं, एक्सपेंड करते जा रहे हैं जी जी। रोज आठ दस हजार प्लाट तो मेरे ख्याल में वो निकल गए थे ना कराची वाले चक्कर में। ये रोज के अंदर से गुजर रहे हैं, ये डीलर घूम रहे हैं,
ज़्यादा डीलर मुझे पूछते हैं करते की अपडेट है। मैं कहा भाई तुम लोग तो जाके खुद उतर वो प्रधानमंत्री बनते हो, गलत खबरें निकालते हो। मैंने एक तो डीलर को फ़ोन किया ना, मैं कहा ये आप सारी खबरें गलत दे रहे हैं। अच्छा, इसकी पहली तरफ भी सारा डेवलप्ड है, रोज अभी हम रोज सेक्टर डीएचए वैली में खड़े हैं। हमने वहाँ से ब्लू बेल क्रॉस किया, हमने ब्लू बेल वाला जो ब्रिज है वहाँ से हम एंटर हुए और उसके बाद हमने ब्लू बेल वाला एरिया क्रॉस किया और अभी हम आ गए हैं रोज़ के अंदर। यही वाली रोड जो एक्सप्रेसवे है इसी ने गुजरना है, ब्लू बेल की साइड से होता हुआ ब्रिज के ऊपर से गुजर कर और ये जाकर फेज़ टू एक्सटेंशन में दाखिल हो जाए। ठीक है, दिस इज़ द मेन रूट जिसमें फॉलो है और अभी आगे जो आप उस तरफ देखेंगे तो दिस इज़ ऑल डीएचए वैली। जो भी हम एंटर होंगे इस पहाड़ के बाद आपको व्यू क्लियर होगा। ये वाला पहाड़ जो राइट वाला ये भी सारा लिया हुआ, वो वाला भी लिया हुआ, इसके राइट साइड पे भी डैम है। अच्छा, जहाँ से भी हम गुजर रहे हैं हमारे अब राइट साइड पे डैम। ठीक है, जब हम उधर के आ रहे थे तो हमारे राइट साइड पे डैम था। जी हाँ, फेज टू एक्सटेंशन लेफ्ट पे थी, अभी हमने गोल चक्कर लगाया तो डैम फिर हमारे राइट साइड। हम फिर फेज टू हम डीएचए वैली में एंटर हो गए। डीएचए वैली में अभी कितने परसेंट लैंड एक्वायर हो गए? ये अच्छी वाली में भी एग्जैक्ट परसेंटेज तो उसको मैं आपको नहीं बता सकता, लेकिन ये है कि जितनी हमारे पास पहले थी तकरीबन उतनी और होगी। उतनी और, लेकिन अगर आप मुतासरीन को देखते हुए कि समझते हैं कि कितने परसेंट, 40% 50% मेरे ख्याल में कि काफ़ी हम इसमें भी परसेंटेज अपनी जो है ना काफ़ी लोगों को देने के काबिल हो जाएंगे बाई नेक्स्ट ईयर। बाई नेक्स्ट ये जो ओलियंडर में मेरा है ये कब देंगे? ये आए ना जी आपको ओलियंडर का पता, ये कच्चा रास्ता था, इधर इधर आते नहीं, वो उधर से घूम के लाते थे। ये पहाड़ पूरा क्लियर है, इसके ऊपर है हमारी सारी डेवलपमेंट। वो हम असल में जो नेचुरल स्ट्रक्चर है उसको ख़राब नहीं कर रहे, जहाँ पे मजबूत है जी, और इससे उसकी और नेचुरल ब्यूटी इन्हेंस होगी। अच्छा, ये लास्ट टाइम कुछ अनाउंस हुआ था कि ज़ीनिया को भी ओपन कर देंगे, तो वो हो चुका है ओपन या कि अभी अभी नहीं हुआ? मैंने आपसे कहा ना कुछ बातें हम इस वजह से भी ओपन नहीं करते, अगर कर भी दें जी, हम नहीं चाहते कि उसकी मार्केट वैल्यू हाई हो जाए। ओके, तो लिहाजा आपको भी पता होना चाहिए कि ज़ीनिया इज़ नॉट ओपन टिल द टाइम वी अनाउंस इट। ओके, और अंदाजन क्या मतलब एक्सपेक्ट कर सकते हैं? ओके, इंशाल्लाह। अभी जैसे अभी इन्होंने बताया कि ये साइज ऑफ जो सेक्टर है ना उसको ये बड़ा कर रहे हैं, सही हो गया। और साइज ऑफ सेक्टर जब बड़ा होता है फिर ये दूसरे सेक्टर के जो होते हैं उसको उसमें साइज ऑफ दो आगे चौकों करके जगह आती है जी, वहाँ से मरी प्रोजेक्ट अभी शुरू है, टूरिज्म आएगा। हाँ जी, टूरिज्म आएगा, मरी जा रही है, वो स्टार्ट हो गया। हाँ, लगा हुआ ये, वो तो इतना इस साइड पे है ना। हाँ, यहाँ से ये चौक पटोरी से है ना, चौक पटोरी, चौक पटोरी जो है ना वहाँ से आपका सीधा मरी कोटा से होते हुए ना, पंचपीर राग, पंचपीर राग मेरा गाँव है, वहाँ से होते हुए इसकी इसकी बड़ी वैल्यू बन जानी है ये वैली की। ये सर कौन सा ब्रिज है? ये बोगनविला, बोगनविला को यहाँ से मैग्नोलिया के साथ, बोगनविला को मैग्नोलिया के साथ, ये भी है ओरिएंटल में दाखिल हो रहा है, ओरिएंटल में दाखिल हो रहा है बोगनविला, ये नहीं हुआ था, ये भी खुला है।
अच्छा ये इस वक्त हम डैम के अंदर हैं डेप्थ में। पिछली दफ़ा यहाँ से काफ़ी मुश्किल से गुजरे थे, यहाँ से गुजरी थी, यहाँ सारा पानी मतलब पानी गुजर रहा था। अच्छा उसके साथ बस क्या मोटरसाइकिल चल रहे हैं नहीं होते हैं, हमने देखे लोग बोल रहे हैं कि ये है जी ब्लू बेल ब्रिज। ब्लू बेल ब्रिज ये है बेसिकली लिंक अपना बिटवीन द फेस टू एक्सटेंशन एंड द वैली फेस टू एक्सटेंशन। आगे आगे अभी ये नहीं आगे नहीं यहाँ से आगे निकल जाए वापस ही जाने इधर वापस नहीं आएंगे वो चलाइए कौन सी ये वाली निकल जाएगा ये चलाइए चल निकल जाएगी हाँ जी निकल जाएगा ये वो ब्रिज है इसके ऊपर फिर पकड़ी होगा उसके बस आगे कर लेंगे वो ब्रिज है जिसका 2008 से चला 2008 देखो और ये जो ब्रिज है ये इंटरलिंक करेगा उसको पुल के हवाले से कुछ टाइम लाइन लेना चाहेंगे मतलब ये भी ट्रैफिक के लिए कब तक खुल जाएगा बस अभी देखिए वॉक ओवर के लिए खुल गया हुआ है बस अभी इसकी सिर्फ साइडों के ऊपर वो करनी है कंप्लीट होगा। हाँ जी खुल जाए ये भी इस पे लगेगा जी 2 महीने दो महीने और करे दोनों साइडों में उसके बाद काफी होगी कंप्लीट वॉल बनेंगे ठीक है ये तकरीबन 2 महीने लग जाएगा मेरे हमने 28 फरवरी तक हो जाएगा चलो 2-1 महीने में लग जाए 2-1 महीने में करते हैं लेकिन कलवट नाला जो होता है जिससे पानी नीचे से गुजारते हैं एक तो ब्रिज होता है एक कलवट होती है ठीक है मिनी ब्रिज कह सकते हैं। इसके साइडों पे दीवारें भी बननी है वैसे ये ट्रैफिक के लिए है खुला हुआ ही है मतलब ट्रैफिक गुजर सकती है पता नहीं इस वक्त गुजर रही है या कि नहीं अलाउड लेकिन यह केस के साइडों पे भी दीवारें बनेंगी और फिर ये अवेलेबल हो जाएगा। तकरीबन उन्होंने टाइमलाइन कुछ ऐसी दी है कि उम्मीद है कि 28 फरवरी तक कंप्लीट हो जाएगा ये वाला पुल। काफ़ी 2008 से इसका इंतज़ार है और जैसे ही ये कम्प्लीट होगा उसके साथ ही मतलब जो है ना जो इधर के DHA वैली के जो हैं ब्लू बेल वो मतलब उसको डायरेक्ट एक्सेस मिल जाएगा मेन हाईवे के साथ ना। अब बेसिकली अभी हम यहाँ पे खड़े हैं बेसिकली अभी यहाँ पे हम खड़े हैं ये इसमें इसको टर्न करें तस्वीर जी, जी, मेरी okay. तस्वीर है इसमें बेसिकली अभी हम यहाँ पे खड़े हैं ये डैम की जगह है डोचा डैम की और वो सामने जो ब्रिज है वो ऑलमोस्ट तकरीबन 80-90% कम्प्लीट हो चुका है और अभी सिर्फ उसके ऊपर वो कारपेटिंग होनी है और साइड पर वो बनना है तो मे बी इट विल टेक अनदर 1 महीना या 1.5 महीना लगेगा। तो फिर इसके ऊपर ये ट्रैफिक है वो DHA 6 की और DHA जो 1, 2, 3, 4 है उनके आपस में वो शुरू हो जाएगी और जो डायरेक्ट इंटरलिंक कर देगा एक्सप्रेस वे के साथ। ये डेप्थ है उसकी डैम की।